You can now access all of our videos from class 9th to 12th on our app. Download it now through link given in the description. चैलेंजर नासा के स्पेस शटल का नाम था जिसका काम था स्पेस में मल्टीपल टाइम्स जाना और सैटेलाइट्स लॉन्च करना। चैलेंजर वाज वन ऑफ नासा'स ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ्स। ये स्पेस में पहुंचने वाला सेकंड शटल था इन अप्रैल 1983। आल्सो इसने स्पेस के 9 माइलस्टोन मिशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। बट चैलेंजर वाज आल्सो वन ऑफ नासा'स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। इसके 10th लॉन्च के दिन व्हिच वाज जनवरी 28, 1986 ये शटल टूट गया, उसमें आग लग गई और उसके सारे पीसेस पानी में गिर गए, किलिंग ऑल ऑफ इट्स क्रू मेंबर्स। और ये सभी कुछ हुआ इसके लॉन्च होने के जस्ट 73 सेकंड्स के अंदर। ये एक्सीडेंट ने स्पेस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सीडेंट के पीछे रीजन क्या था, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सीडेंट एग्जैक्टली दिखता कैसा था। चैलेंजर उस दिन अपने 10th मिशन पे स्पेस में जाने वाला था जिसका पर्पस था वहां पे कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करना और हेलीज कॉमेट को ऑब्जर्व करना। नासा का उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज करने वाला ये स्पेस शटल था और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड सेट किए थे। लेकिन इसके 10th मिशन में शुरू से ही प्रॉब्लम आ रही थी और इसका लॉन्च ऑलरेडी बहुत दिनों से पोस्टपोन हो चुका था। फाइनल लॉन्च डे से पहले फ्लोरिडा में जहां पे लॉन्च होने वाला था बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी एंड इस शटल के ऊपर बहुत सारी आइस भी जमा हो गई थी। कुछ इंजीनियर्स ने अपने हायर ऑफिशियल्स को उस दिन वॉर्न भी किया था कि इतने लो टेम्परेचर की वजह से इसके लॉन्च में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। फाइनल लॉन्च के मॉर्निंग को सब कुछ ठीक दिख रहा था व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड इंक्लूडिंग फैमिलीज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स विटनेस एन एक्सप्लोजन जस्ट 73 सेकंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 मीटर्स। मिलियंस ऑफ और लोगों ने इस ट्रेजेडी को लाइव टेलीविजन पे होते हुए देखा। बट ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों, इसको समझने के लिए हम लोग पहले स्पेस शटल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। किसी भी स्पेस शटल में 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑर्बिटर जिसमें पूरा क्रू बैठता है, देन वी हैव एक्सटर्नल टैंक फ्यूल जिसमें मेन इंजन्स के लिए पूरा फ्यूल स्टोर्ड अप होता है एंड 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स जो कि स्पेस शटल के फर्स्ट 2 मिनट्स में उसको लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। इस एक्सीडेंट के दौरान स्पेस शटल का एक्सटर्नल फ्यूल टैंक कोलैप्स हो गया जिसकी वजह से उसमें स्टोर्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो गई, लीडिंग टू एन एनॉर्मस फायरबॉल थाउजेंड्स ऑफ फीट इन द एयर। नोट एट दिस पॉइंट दैट द शटल इटसेल्फ वाज इंटैक्ट एंड ऑल द क्रू मेंबर्स वर सेफ एंड साउंड, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से शटल अपने पाथ पर नहीं रह पा रहा था एंड फाइनली द टैंक ब्रोक ऑफ द शटल। इवेंचुअली शटल के और पार्ट्स जैसे कि टेल, मेन इंजन एंड विंग्स ये भी उससे टूटकर अलग हो गए एंड ये बड़े बड़े पीसेस पानी में गिरे विद सो मच फोर्स इनफ टू क्रश एनीथिंग इनसाइड द केबिन। एक्सप्लोजन के 1 घंटे के बाद तक भी शटल के जो पीसेस थे वो अटलांटिक ओशन में गिर रहे थे और क्रू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। द ट्रेजेडी एंड इट्स आफ्टरमैथ रिसीव्ड एन एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज व्हिच प्रॉम्प्टेड नासा टू सस्पेंड ऑल इट्स स्पेस मिशंस इमीडिएटली। एंड द क्वेश्चन दैट नाउ नासा हैड टू आंसर वाज व्हाट वेंट रॉन्ग। डिजास्टर के कुछ देर के बाद ही प्रेसिडेंट रोनल्ड रीगन ने एक कमीशन बिठाया टू सी व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद द चैलेंजर। दिस कमीशन वाज हेडेड बाय फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स और इसमें बहुत ही फेमस एंड एबल लोग थे इंक्लूडिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन। इस कमीशन के फाइंडिंग में ये सामने आया कि लॉन्च के दिन फ्लोरिडा में बहुत ही ज्यादा ठंड थी और टेम्परेचर वॉज मच बिलो फ्रीजिंग पॉइंट और ऐसे टेम्परेचर पर शटल के कुछ पार्ट्स स्पेशली द ओ रिंग्स के नॉट फंक्शन प्रॉपरली। टू मेक थिंग्स वर्स नासा के पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं था ऑफ लॉन्चिंग अ शटल एट सच अ कोल्ड टेम्परेचर। चैलेंजर के सॉलिड रॉकेट बूस्टर में जो ओ रिंग्स यूज की गई थी उनका मेन काम था टू सील द जॉइंट सो टाइटली कि उनके बीच में जो वायलेंटली हॉट गैसेस हैं वो आपस में मिक्स ना हो पाए, लेकिन इतने ठंडे टेम्परेचर में ओ रिंग्स ने अपना काम करना ही बंद कर दिया और वो ब्रिटल हो गए थे और इसकी वजह से ये जो गैसेस थी ये आपस में मिक्स हो गई, आग लग गई और शटल के टुकड़े टुकड़े हो गए एंड इट डिसइंटीग्रेटेड। लेट अस सी दिस इन मोर डेप्थ नाउ। चैलेंजर के सॉलिड रॉकेट बूस्टर में कुछ ग्रूव्स थे जहां पे ओ रिंग्स नाम के स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली रबर के बने होते हैं उनको फिट करना था और उनका काम था जॉइंट्स को सील करना। नोट के चैलेंजर में 2 ओ रिंग्स यूज किए गए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सोच के कि अगर तो कुछ भी गलती हुई और प्राइमरी वाला अपना काम ना कर पाए तो सेकेंडरी ओ रिंग तो एटलीस्ट सील कर ही देगा। प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ पे ओ रिंग का काम क्या होता है। ये इनिशियली किसी भी स्ट्रक्चर को सील नहीं करते हैं, इनका काम ही होता है टू स्टार्ट द वर्क ऑफ सीलिंग व्हेन दे फर्स्ट सी अ गैस लीक। अगर तो जरा सी भी गैस लीक प्राइमरी ओ रिंग तक पहुंचती है तो वो उस टेम्परेचर की वजह से एंड प्रेशर की वजह से एक्सपैंड हो जाता है मेकिंग द सील। तो नाउ एज यू वुड अंडरस्टैंड कि ओ रिंग्स का जो काम है वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होना होगा। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट गैस लीक को ऑब्जर्व किया उसी टाइम पे उनको एक्सपैंड होना होगा एंड सील करना होगा एंड दिस इज वेयर द लो टेम्परेचर थिंग कम्स इन। इतने कम टेम्परेचर पे ओ रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं और सील नहीं कर पाए। ओरिंग्स की इस फेलियर को रिचर्ड फाइनमैन ने बहुत ही सिंपल तरीके से मीडिया और सभी साइंटिस्ट को समझाया यूजिंग अ सिंपल ग्लास ऑफ आइस वाटर।
प्रॉब्लम ये थी कि इन ओरिंग्स को कभी इतने कम टेम्परेचर पे टेस्ट ही नहीं किया गया था उनके काम करने के लिए, और कुछ थायकॉल इंजीनियर्स विच वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ दिस ओरिंग्स एंड नासा इंजीनियर्स ने भी इस प्रॉब्लम को लॉन्च के मॉर्निंग पे उठाया था विच वेंट अनहर्ड. सम हायर ऑफिशियल्स ऑफ थायकॉल एंड नासा बोथ न्यू द प्रॉब्लम बट दे स्टिल फेल टू टेक एनी एक्शन. रिचर्ड फाइनमैन ने इस कमीशन की फाइनल मीटिंग में इस सब कुछ समझाने के बाद कंक्लूड किया दैट चैलेंजर वाज अ मैन-मेड डिजास्टर व्हिच डिडंट हैव टू हैपन. थायकॉल एंड नासा इंजीनियर्स की थिंकिंग कि नथिंग हैज हैपेंड सो नथिंग विल हैपन टुक द लाइफ ऑफ 7 क्रू मेंबर्स. लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी. नासा ने अपने सभी स्पेस मिशन को 1988 तक कैंसिल कर दिया. ओरिंग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया और उनके साथ साथ एक हीटिंग पैड भी लगाया गया शटल में टू एंश्योर कि बाहर चाहे जितनी मर्जी ठंड हो ओरिंग्स सही टेम्परेचर पे हो ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके. नासा ने अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे चेंजेस किए जिससे ये एंश्योर हो सका कि ऐसी कोई वार्निंग अगर फिर से कभी कोई दे तो वो इग्नोर ना हो. So it all comes down to materials and properties under different temperature, pressure and other conditions. अगर तो उस दिन इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया होता तो चैलेंज डिजास्टर होता ही नहीं. अगर तो आपको इस सब में इंटरेस्ट है और आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करके उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड्स की वीडियोस को देखना चाहिए टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस बेटर. हमारे ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Traveling to space is one of the most hardest and dangerous things that humans have ever done, and space companies are trying to do it right. But the hard truth is that we can learn and minimize the risk, but we may never learn to do without it. For more such videos, subscribe to our channel. Avanti is launching new video series. Tune in every Monday for JE problem solving and every Saturday for a class 10 video. We will also be releasing exciting science videos. So subscribe now so that you never miss an update from us.